हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड सलाम। वेलकम टू स्टूडियो 99। और आज की कहानी सुपरस्टिशन के ऊपर, अंधविश्वास के ऊपर। आज का टाइम ही ऐसा है कि स्टोरी बड़ी रेलेवेंट लगेगी आपको। कैसे हम लोग अंधभक्ति में लगे हैं और कोई कुछ भी कह देता है और हम लोग कर लेते हैं, चाहे वो रिसेंट की बात हो, चाहे कई साल से हम जो अभी तक करते आ रहे हैं उन चीज़ों की बात। इससे पहले कि मैं स्टोरी पे आऊँ, एक छोटा सा किस्सा। मैं एक इंडिविजुअल बन के बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सो आई एम नॉट फेवरिंग एनी काइंड ऑफ कास्ट और रिलीजन, बट एक छोटा सा किस्सा है। ये किस्सा है सिख समाज के फर्स्ट गुरु, गुरु नानक देव जी का। एक बार वो किसी गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहाँ पे देखा कुछ गाँव वाले सुबह सुबह सूर्य को जल अर्पण कर रहे हैं। तो वहाँ पे जाके वो पूछते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि हम अपने पैतृक पेरेंट्स को, फो फादर्स को, हम ये जल अर्पित कर रहे हैं। तो बोले वो कहाँ पे है, तो बोले अरे वो तो स्वर्ग में है। तो बोले ये जल यहाँ से चढ़ाने से उन तक जल पहुँच जाएगा, तो बोलते हाँ बिल्कुल पहुँच जाएगा। थोड़ा सोचते हैं गुरु नानक देव जी और फिर वो भी एक वेसल उठा लेते हैं पानी का और वो उसकी ऑपोजिट दिशा में जाके उसी आंगन में जल अर्पित करने लगते हैं। तो उन गांव वालों में से एक पर्सन उनसे पूछता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। वो बोलते हैं खेतों को, बट यहाँ खेत तो नहीं है। तो वो बोले कि हाँ मेरा खेत है ना, खेत पंजाब में है। अरे महात्मा जी, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे आप जल चढ़ाएंगे तो ये जल पंजाब कैसे पहुँचेगा, कैसी बात कर रहे हैं आप। गुरु नानक देव जी बोलते हैं मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, यही तो सिखा रहा हूँ। खैर कई लोग बहुत मानते हैं रिचुअल्स को, ट्रेडिशंस को, बट क्यों ना यार कोई ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ की जाए जो कि आज की जनरेशन और कमिंग जनरेशन के लिए क्वेश्चन मार्क ना पैदा करके एक पॉजिटिविटी पैदा करे, विश्वास पैदा करे इन सब चीज़ों के प्रति। क्योंकि गुरु नानक देव जी तो उनको बोल देते हैं कि जब तुम्हारा जल स्वर्ग तक पहुंच सकता है तो मेरा जल पंजाब तक नहीं पहुंच सकता। खैर हम आ जाते हैं अपनी स्टोरी पे। ये स्टोरी है एक फेरी वाले की स्टोरी। फेरी वाले जो लोग चलते चलते अपना सामान वगैरह बेचते रहते हैं, जिनको फेरी वाले की कहानी है। तो ये फेरी वाला एक गांव में आके रहता है और पूरे गांव में घूमता था, अपनी पोटली लेता था कपड़ों की और उन कपड़ों को बेचने के लिए वो पोटली लेके जाया करता था। रोज़ सुबह जब जब वो निकलता था अपने कपड़े बेचने के लिए, उससे पहले वो एक मंदिर में जाता था, मंदिर में पूजा करता था। सुबह अपनी पोटली वहाँ रखता था मंदिर में, पूजा करता था। वहाँ पे एक समाधि थी, वहाँ पे जाके बैठ के थोड़ा सिमरन करता था, वहाँ पे बैठ के थोड़ा प्रेयर करता था और वहाँ से फिर वो अपने काम पे चला जाता था। वहाँ के पंडित जी जो होते हैं रोज़ देखते हैं कि एक पर्सन आता है बड़े ही डेडिकेशन के साथ यहाँ पे बैठ के पूजा करता है और शाम को फिर एक बार आता है और इतना थक के आता है शाम को, और उसकी हालत से पता लगता है कि वो बहुत मेहनत करके आया है। कुछ महीने तक उसको देखते हैं पंडित जी और एक दिन उसको बुला के बोलते हैं कि सुनो, तुम बहुत मेहनत करते हो, ये पोटली उठा उठा के घूमते हो, कभी तो पोटली पूरी भरी हुई वापस ले आते हो, तो मुझे समझ आ जाता है कि आज तुम्हारी कोई भी सेल वगैरह नहीं हुई है। तो एक काम करो तुम, मेरे पास ना एक गधा है, ये गधा तुम ले लो और इस गधे पे एक पोटली क्या दो दो पोटली दोनों तरफ रख के तुम लाद के जा सकते हो, तो ज्यादा कपड़े होंगे, कई बार जैसे तुम्हें शॉर्टेज आ जाता है कि बेचने की अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है लेकिन उतने कपड़े तुम कैरी कर ही नहीं सकते, तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। तो वो उनकी बात मान लेता है। अगले दिन जब आता है मंदिर में
तो वहां पे उनका गधा रहता है, गधे को लेता है, सामान उस पे लादता है, हैंग करता है दोनों तरफ और चल देता है अपनी अपनी सेल्स पे। तो पहले जबकि वो 4 या 5 या 6 गलियों में जा सकता था, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी गलियां थी, वो उतना वो कवर कर सकता था, फिर रेस्ट करता था, फिर कवर करता था, फिर रेस्ट करता था। बट अब क्योंकि उसके पास ज़्यादा चीज़ें थी और स्पीड भी थोड़ी बढ़ गई थी और एक ऊर्जा भी उसमें आ गई थी, एनर्जी, बिकॉज ही नाउ ही हैज़ मोर रिसोर्सेस। इस कारण से वो एक गांव से दूसरे गांव तक, तीसरे गांव तक भी पहुंचने लगा। उसने अपनी रीचेबिलिटी बढ़ा दी, नेटवर्क बढ़ा दिया और इतना बढ़ा दिया कि उसका काम तो बहुत अच्छे से चल पड़ा। बहुत कपड़े उसके बिकने लगे, बहुत अच्छा काम चलने लगा। लेकिन अभी भी हर दिन सुबह वो आके सबसे पहले प्रे करता, समाधि पे जाके समाधि के पास जाता, फूल अर्पित करता, वहाँ बैठता, ध्यान लगाता और वहाँ अपनी प्रेयर आराम से ख़त्म करके फिर सेल्स पे चला जाता। शाम को फिर आता मंदिर में, फिर माथा टेकता, फिर घर जाता। कई साल तक ऐसा चलते रहा। 7 साल हो चुके थे इस बात को। अब वो जो गधा था वो ऐसी स्थिति में आ गया कि अब वो बहुत बीमार हो गया, काम नहीं कर पा रहा था वो। और कुछ ऐसा हुआ कि वो गधे की डेथ हो गई। इसको बहुत आहत लगी दिल में, बहुत बुरा लगा इसको कि मेरे साथ काम किया उसने, इतनी मेरी हेल्प कराई, इतना मुझे अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज दिए और मुझसे ज़्यादा अगर फिजिकल स्टेमिना की बात करें तो पूरा श्रेय तो इसको जाता है, इसने मेरी इतनी हेल्प की। तो ही इज फीलिंग वेरी मच ग्रेटफुल टू दैट डोंकी। इतना उसको उस पे करुणा आती है, दया आती है कि वो सोचता है कि ये जो मेरा गधा था ये मेरे लिए मेमोरेबल है और बहुत प्रेशियस था ये मेरे लिए, इसकी भी मैं अब एक समाधि ही बनाऊंगा। तो गांव में एक जगह वो डिसाइड करता है, वहां पे उसका अंतिम संस्कार वगैरह करता है और वहीं पे वो गधे की समाधि बना देता है। समाधि बनाने के बाद वो पूरी थाली वगैरह लेके आता है पूजा की, वहां पे पूजा करता है। पूजा करने के बाद थाली वगैरह सारी चीज़ें वहीं पे समाधि के ऊपर छोड़ के वापस घर को आ जाता है और घर पे बैठ के भी उदास ही बैठ बैठ के बस सोच रहा होता है कि अब तो मेरे पास वो गधा भी नहीं रहा। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग में उसी समाधि के पास से उसी गांव का एक बहुत वेल नोन साहूकार वहां पे गुजर रहा होता है। वहां से वो वहां से जा रहा होता है तो उसका ध्यान पड़ता है इस समाधि के ऊपर और देखता है यहाँ पे थाली वगैरह रखी हुई है किसी बहुत उच्च कोटि के पर्सन की, शायद समाधि है ये। तो वो वहां रुक जाता है और हाथ जोड़ के मन ही मन में बोलता है कि इतने साल से पता नहीं कहाँ कहाँ गया, पास में मंदिर है, साल भर से तो वहीं पूजा कर रहा हूँ, मेरा एक अटका हुआ काम है, भगवान ये काम मेरा आज बनवा दे, मैं वापस जब यहाँ से निकलूंगा ना तो यहाँ 500 रुपये चढ़ाऊंगा। अब ये बात बहुत पुराने टाइम की है तो 500 रुपये मतलब वॉज अ वेरी बिग अमाउंट, मैं 500 रुपये इस समाधि के ऊपर चढ़ाऊंगा अगर ये मेरा काम बन जाए तो। फॉर्चुनेटली उनका काम बन जाता है। जब वो वापस आते हैं इतने उत्साहित होते हैं, उसी समाधि के पास आते हैं, पूजा करते हैं, वहां पे 500 रुपये चढ़ाते हैं। अगले दिन सुबह ये साहूकार फिर आते हैं और इसी समाधि पे फिर से आके प्रे करने लगते हैं। और जब वो देखते हैं कुछ और लोग भी वहां पे प्रे करने आ गए हैं और बाकी सारे गांव के लोग तो उसी मंदिर की तरफ जा रहे हैं, तो वो उनको भी आवाज देके बुला लेते हैं कि अरे वहां कहाँ जा रहे हो, वहां तो 1 साल से मैं खुद अपनी एप्लीकेशंस डालते रहा हूँ यार, कुछ नहीं हुआ, मुझे जो फल मिला एक ही दिन में फल मिल गया मुझे इस समाधि के ऊपर से, इतने महान व्यक्ति की समाधि है, तो यहाँ पे आके पूजा करो, दिस इज मोर सिग्निफिकेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस। सब लोग डाइवर्ट हो जाते हैं और अब इस समाधि पे आना स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले कि लोग वहां पे आते
सुबह ऑलरेडी वो जो फेरी वाला था वो समाधि के पास आके जा चुका था, और उसने देखा कि यहाँ पे 500 रुपीस किसी ने चढ़ाए हुए। बड़ा आश्चर्यचकित उसको लगा, एंड ही थॉट कि यार व्हाट अ वंडरफुल डोंकी आई हैड व्हेन इट वाज अलाइव। जब वो जिंदा था तब उसने इतना मेरी हेल्प की है पैसे अर्न करने में, और मरने के बाद भी देखो ही स्टिल पेइंग मी ऑफ, ही स्टिल पेइंग मी। तो बड़ा एक हैप्पीनेस थी उसके मन में, लेकिन बड़े मिस्टीरियस भाव के साथ वो उस 500 को उठाता है, अपने पॉकेट में रखता है और वापस से घर की ओर चल देता है। उसके बाद फिर ये जो आते हैं साहूकार वापस आते हैं मॉर्निंग में, गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, सब लोग फिर से वहाँ पूजा अर्चना स्टार्ट करते हैं, फिर बहुत पैसे चढ़ाते हैं और चले जाते हैं। शाम को फिर वो आता है उसी समाधि पे फेरी वाला, फिर देखता है फिर से इतने पैसे चढ़े हुए हैं। वो देखता है कि यार इतनी अर्निंग तो वहां पे नहीं हो रही थी कपड़े बेचने के बाद, जितनी अर्निंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। मन थोड़ा सा डोल जाता है उसका। तो भीड़ में आ रहे हैं, एक गांव क्या पास के सारे गांव के लोग आना स्टार्ट कर देते हैं कि बहुत महान कोई पर्सन की समाधि बनी है, और 24 घंटे में यहाँ पे रिजल्ट मिलता है। ये तो ऊपर पूरी फैल गई हर जगह पे। अब जो पहले वाले मंदिर के जो पंडित जी थे, वैसे तो उनको क्या करना था, वो तो अपनी पूजा में लीन रहते थे, बट फिर भी एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि जितने लोग मंदिर में आते थे सब लोग सामने से गुजर जाते हैं बट वो आगे चले जाते हैं, ऐसा क्यों? तो एक व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि भगवान की कृपा है? सब चीजें पूछने के बाद उसने कहा कि आजकल दर्शन नहीं देते आप। तो उसने बताया कि अरे मैं क्या, पूरा गांव वहां पे जा रहा है अब तो, और अब तो कुछ ही महीनों में हम ये देख रहे हैं वहां पहले समाधि हुआ करती थी, अब तो भव्य मंदिर बना दिया उन पुजारी ने। तो इनको बड़ा आश्चर्य लगता है कि यार इस गांव में इतने साल से कोई मंदिर नहीं था, भव्य मंदिर की बात कहां से आ गई। तो अपनी पूजा वगैरह सब कुछ समाप्त करते हैं, उस दिन के लिए खत्म करते हैं, और सबसे पहले वो रुख करते हैं उस मंदिर की तरफ, जाके देखते हैं। अरे मंदिर तो नया का नया मंदिर बना है। और जाके जैसे ही देखते हैं कि पुजारी कौन है, वो तो दंग रह जाते हैं उसको देख के कि अरे तुम। 3-4 भक्त लोग ऑलरेडी बैठे होते हैं पूजा करने के लिए, तो वो धीरे से जाते हैं और उसके कान में जाके पूछते हैं पुजारी जी के कि अरे तुम वही फेरी वाले हो ना, क्या तुम वही फेरी वाले हो? वो बोलते हैं हाँ पंडित जी मैं ही हूं, मैंने ही ये मंदिर बनाया है और मैं ही यहाँ पे अब पुजारी हूं। तो बोलते हैं अरे वो सब तो ठीक है, बट इतनी महानता एकदम से आ गई इस मंदिर की, ये राज क्या है इस बात का, है किनकी समाधि है वैसे? तो वो मुस्कुराता है और फिर से मंद मुस्कान के साथ अपना मुंह दबाकर उनको बोलता है कि पंडित जी आपने मुझे गधा दिया था ना, कई साल तक वो गधे ने मुझे और मेरे काम को सर्व किया, ये उसी गधे की समाधि है। वो तो चौंक जाते हैं सुनने के बाद कि अरे बाप रे, समाधि गधे की समाधि। हंसते हुए फिर एक बात उसको बोलते हैं, गधों की भी देखो क्या किस्मत है, तुम पहले कहां मेरे वहां पे मंदिर में आके पूजा करते थे, आज तुमने अपना मंदिर बना लिया है, उस मंदिर में तो अब कोई आता नहीं है, और शुरू में पहले ऐसे ही वहां पे लोग आया करते थे। तो बोलता है कि पंडित जी मैं तो अब पुजारी यहाँ पे बन गया हूँ, बट मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे आऊँ, बट आप प्लीज़ मुझे भी तो बताओ, मुझे आज तक ये नहीं पता लगा, मुझे उसी मंदिर से ब्लेसिंग मिली, आपसे ब्लेसिंग मिली, आपने मुझे वो डोंकी दिया, हेल्प तो सारी आपकी तरफ से हुई, मैं भी वहाँ पे प्रे करता था, वो जो मैं प्रे करता था वो किन महान हस्ती की समाधि थी? वो पुराने पंडित जी बोलते हैं मेरे पास 2 गधे हुआ करते थे, जब एक गधे की मृत्यु हो गई तो मैंने भी वहां पे एक समाधि बना दी थी। तो हम लोग क्या गधों की पूजा कर रहे हैं यहाँ पे?
इसी नोट पे दोनों हंसने लगते हैं और कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। आई हैव नो पॉइंट अगेंस्ट एनी रिलीजन। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या चर्च में ना जाए। आई एम जस्ट सेइंग कि सबसे पहले कर्म प्रधान बने। आज के टाइम पे शायद कुछ लोगों तक तो ऐसी नौबत आ गई है कि दे जस्ट फील दैट ही विल कम डाउन एंड ही इज गोइंग टू हेल्प अस। ही विल गिव अस मनी, ही विल गिव अस लक, ही विल गिव अस फॉर्च्यून। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो कर्म प्रधान बनिए, भक्ति अपनी जगह, शक्ति अपनी जगह। तो क्योंकि हम लोग जैसे मानते हैं कि हम क्यों प्रे करते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन दिया है इसलिए हम प्रे करते हैं। तो देखो सबसे नॉर्मल सी बात है, सबसे बेसिक सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए समझने के लिए। हमें लाइफ किसने दी? हमें एग्जैक्टली हमें मुझे आपको लाइफ किसने दी? वी नो दैट। नॉट giving a lecture on philosophy here. I have very detailed thing to say, but I don't want to get into the details. तो सबसे पहला हमारा दायित्व कर्तव्य तो वहीं पे बनता है। अगर प्रे करना इतना ही उछाल मार रहा है आपके अंदर प्रे करना, तो और अगर वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट करके आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या चर्च जा रहे हो, यूजलेस। तो सबसे पहले आपको जन्म देने वाले लोग, सेकेंड आपका काम, जिस काम से आप अपना अर्निंग कमा रहे हो, या जिस स्टडी या जिस जॉब या जिस बिजनेस से आपको लाइफ में एक वे मिल रहा है, एक रास्ता मिल रहा है लाइफ को स्पेंड करने का, जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है चीज, वो आपकी पढ़ाई भी हो सकती है, वो लाइफ का कोई गोल हो सकता है, कोई अचीवमेंट मिल चुकी है वो हो सकती है, कोई सेट टारगेट हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं। ये जो भी ब्लेसिंग आपको मिली है इन पे कीजिए। अगर ये दो जगह एक्चुअली आपने पूजा कर ली, फिर आप चाहे थर्ड प्लेस में जाएं मंदिर या ना जाएं, और फिर भी अगर आप मंदिर जाएं तो नॉट अ प्रॉब्लम। आई विश कि मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कर सकता। जैसे अभी तक हमें सिखाया गया है ना कि बेटा एग्जाम का दिन ना, ओहो प्रे किया नहीं की। आई एम नॉट अगेंस्ट प्रेयर, आई रिपीट, आई एम सेइंग काश इसको हम थोड़ा सा रिवर्स कर पाए। पहले मेहनत करें, एग्जाम लिखें, उसके बाद प्रे करें। अगर इतना बिलीफ सिस्टम हमारा स्ट्रांग है, उसके बाद प्रे करें, गॉड आई हैव डन व्हाट वाज इन माय हैंड, नाउ यू टेक केयर। That would have been more logical. So time to think. Bhakti, andbhakti. Do we need it? अगर आपको कोई भी spiritual place, कोई भी religious place, अगर आपको कोई भी religious place यहाँ से और ज़्यादा strong बनाती, जिसको आप वहाँ जाके experience करते हैं, life में implement करते हैं, और उसका आपको result मिलता है, to do it. But do not follow something just because it has been told to you. Know the reason. I have so many things that I recently came to know, not just about my religion but about different religions, and I really respect that. But my work reflects my value, not my background, not my religious thinking. It is there. So religion is a very personal thing. Let us keep it inside us, and it is good to keep if it, you know, enhances your or boosts your inner confidence. Good thing. Not at all against it. But let us implement the values and do something worth living. I hope story, detailed story से कुछ तो हमें समझ आया हो. So I hope I am clear with the story. Moral of the story आप लोगों को already समझ आ गया होगा.
तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। थैंक यू सो मच।